हेलो नमस्कार, मैं गंगाचरण में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, उसमें विचार विमर्श किया गया है नियमितीकरण की मांग को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, और विधायक जी भी आए थे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग का समर्थन करने के लिए। तो विधायक जी को ज्ञापन सौंपा गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा, उन्होंने मांग की है कि जल्द जल्द इनका नियमितीकरण करवाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बनी रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल पाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विचार विमर्श किया। हम अतिथि शिक्षक बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, रुद्र प्रताप जी ने बोला है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए विचार विमर्श किया गया है। नगर के कचहरी परिसर खजाना वाले हनुमान जी मंदिर में मंडा एवं सागर ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी ने सरकार से नियमितीकरण किए जाने की एक ही मांग रखी। ठीक है, इसमें प्रताप सिंह ने कहा है कि आज सभी को संगठित होने की आवश्यकता है, पर परिवार का गुजारा कैसे किया जाए इस पर ही विचार विमर्श हुआ और संगठित होने की बात की गई है। इस मौके पर हम स्कूल अतिथि शिक्षक बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, लेकिन हम लोगों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि इनका भी भविष्य सुरक्षित किया जाए। ठीक है, फिर विधायक तरवर से लोधी को एक अपना मांग पत्र सौंपा गया है। ठीक है, नियमितीकरण की मांग को लेकर भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है तरवर से लोधी जी के लिए, और इनसे बोला गया कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। बैठक में क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, ज्ञापन सौंपा गया क्षेत्रीय विधायक जी को, तो उन्हें आश्वासन दिया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करवाने के लिए। वो अतिथि शिक्षकों से बोला है कि अन्य राज्यों की तरह या गुरुजी की तरह आपका नियमितीकरण करवाया जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से शोषित हो रहे हैं, 14-15 वर्षों से शोषित हो रहे हैं और अपनी लगन और ईमानदारी से बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं कम मानदेय पर, फिर भी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन्होंने नियमितीकरण की मांग की है। अतिथि शिक्षकों ने की नियमितीकरण की मांग, और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी अतिथि शिक्षकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के नाम का ज्ञापन सौंपा है, और तहसीलदार जी से मांग की है कि इनका ज्ञापन शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचा दिया जाए। और ठीक है, आगामी चुनाव में यह अगर इनका नियमितीकरण नहीं किया जाता तो ये कांग्रेस का समर्थन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनने बोला है कि अगर बीजेपी सरकार इनका नियमितीकरण नहीं करती है तो ये कांग्रेस का समर्थन करेंगे,